त्रेता युग का तीर्थ नैमिषारण्य, जिसे हम नीमसार या नैमिष के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तप किया था और यहीं पर श्री व्यास जी के शिष्य महाराज सूत ने प्रथम बार भागवत कथा सुनाई थी। यहाँ पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा और यहाँ पर बन गया था चक्र तीर्थ। और यहीं पर प्रथम युगल जोड़ी मनु व शत्रुपा ने सालों साल तपस्या की। यहाँ पर भगवान राम का अश्वमेघ यज्ञ भी हुआ और साथ ही यही वह स्थान है जहाँ पर श्री दधीच ने गाय को अपना पूरा शरीर चटवा कर अपनी हड्डियों का दान किया था। और साथ ही दोस्तों, ये जगह संबंधित है आदि गुरु शंकराचार्य से, सूरदास जी से, दधीच जी से, बलराम जी से और ऋषि शौनक जी से। तो ये सारी कहानियां हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और सबसे पहले हम आज आपको दर्शन कराएंगे चक्र तीर्थ के। और इस चक्र तीर्थ के दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाएंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। इतनी अच्छी जगह, इतनी प्राचीन जगह जहाँ पे आपको बरसों बरसों पुराने मंदिर और मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और हम आप पहुँच गए हैं, देखिए, चक्र तीर्थ के बिल्कुल सामने। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर भी चक्र बना है, दाएं बाएं भी चक्र बना है और मंदिर के गेट के अंदर भी चक्र बना है। और सबसे पहले हम देखते हैं हमारे बाईं तरफ, इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसके बाईं तरफ हैं हनुमान जी। तो पहले हम करते हैं हनुमान जी के दर्शन। और हनुमान जी के नीचे छोटी सी मूर्ति बनी हुई है गणेश जी की, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री हनुमान जी। और मंदिर के दोस्तों दाईं तरफ आप देखेंगे, सीधे हाथ की तरफ, वहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है चक्र तीर्थ के बारे में। आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ एक ऐसे स्थान के जहाँ पे बताया जाता है कि 88,000 ऋषियों ने भागवत का, प्रथम बार जब दुनिया में भागवत कथा हुई थी तो उसका श्रवण इसी जगह पे किया था। और उस कथा को जो बोला था वो बोला था श्री व्यास जी के शिष्य महाराज सूत ने। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है कि यहाँ पे 88,000 ऋषियों ने एक साथ भागवत कथा का श्रवण किया। इसके अलावा कहते हैं जो पहली युगल जोड़ी थी हमारी, जिस दुनिया में जो पहली युगल जोड़ी आई थी शत्रुपा और मनु जी की, तो उन्होंने यहाँ पे 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। और इसके अलावा एक और भी बात कही जाती है कि जो भगवान विष्णु का चक्र है वो इसी जगह पे गिरा था, इसीलिए इसको चक्र तीर्थ का नाम दिया गया। और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें और भी हैं और इस पूरी बातों को हम डिटेल में बताएंगे आपको और आपको अच्छे से दर्शन भी कराएंगे। तो आप चलिए मेरे साथ और बने रहिए वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस प्राचीन और आध्यात्मिक जगह के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। तो आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जो चक्र कुंड है बीच में उसके दर्शन कराते हैं जहाँ पर चक्र गिरा था हमारे विष्णु जी का। तो चक्र कुंड के दर्शन करने के बाद इस चक्र कुंड के चारों तरफ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे मंदिर, प्राचीन मंदिर और प्राचीन मूर्ति प्राचीन कहानियों के साथ, वो सब हम आपको बाद में दर्शन कराएंगे। सबसे पहले हम चक्र कुंड के बारे में देखते हैं, जानते हैं और पंडित जी से बात भी करेंगे। पहले हम थोड़ा सा आचमन करते हैं और फिर हम आपको यहाँ के बारे में पंडित जी के द्वारा आपको बताते हैं कि वो यहाँ के बारे में क्या कहते हैं। चक्रतीर्थ देख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के मन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ ब्रह्म मनुमय कुंड है। 88,000 महर्षियों ने, 33 कोटि देवी देवताओं ने यहाँ पे तप किया है। ये तपोभूमि है मुख्यतः, यहीं पर वेद व्यास जी ने 6, 7, 18 पुराणों का विभाजन किया। यहीं पर स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया और भगवान को पुत्र रूप में ही वरदान स्वरूप में प्राप्त किया। राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है, कारण भूमि नैमिषारण्य है, क्योंकि यहाँ पे नैमिषारण्य में ही मनु महाराज ने तप किया है। उसी फल स्वरूप भगवान ने उनको वरदान दिया कि आपने यहाँ तप किया है, नैमिषारण्य भूमि का प्रताप है कि यहाँ जो पुण्य फल करता है उसको चार गुना फल मिल प्राप्त होता है। तो आपने पुत्र की याचना की है, हम आपके यहाँ चार पुत्रों सहित और चार अंशों सहित अवतरित होंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जो जन्म हुआ उसी से संबंधित है। और यहीं पे पांडवों ने 12 वर्ष तक तप किया, सोमावती स्नान के लिए सोमावती नहीं पड़ा तो सोमावती को श्राप दे दिया। यहाँ अहिरावण को मारने के बाद में हनुमान जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा है, हनुमान जी नाम से। हाँ, यहाँ थोड़ी दूर पे है। अच्छा, आगे रोड की तरफ जाके रास्ते में। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस चक्र कुंड के चारों तरफ जो मंदिर हैं उनको दिखाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में पहला मंदिर जो दिखाई दे रहा है वो है हमारे शिव जी का। तो सबसे पहले हम शिव मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर लाइन से एक एक मंदिर देखेंगे और आगे बढ़ेंगे।
और पास में ही अगला मंदिर है श्री बालाजी महाराज का। जय श्री बालाजी महाराज। और दोस्तों बालाजी मंदिर से बाहर निकलने के बाद जो तीसरा हमें मंदिर दिखाई दे रहा है वो लिखा है मंदिर पर श्रृंगी ऋषि की तपस्थली। और श्रृंगी ऋषि जो थे आप शायद जानते ही होंगे कि प्रभु श्री राम जी के जीजा जी यानी कि उनके बहन के पति थे। प्रभु श्री राम की बहन थी माता शांता और माता शांता की जो शादी हुई थी वो श्रृंगी ऋषि के साथ हुई थी। तो यहाँ पर इस तपस्थान पर माता शांता के साथ में श्रृंगी ऋषि भी हैं और इनके बारे में डिटेल वीडियो अगर आपको देखना हो श्रृंगी ऋषि और माता शांता के विषय में उनका पूरे मंदिर का एक वीडियो मेरा है तो वो लिंक में आपको मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल। तो इनको प्रणाम करके अब हम निकलेंगे बाहर। और देखिए सींग है, श्रृंगी ऋषि इसलिए कहते थे क्योंकि उनके सींग थे तो सींग को नीचे अलग से बनाई गई है और ये है हमारे श्रृंगी ऋषि और माता शांता। तो अब इनको प्रणाम करके हम निकल रहे हैं बाहर और बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं हमारा अगला मंदिर कौन सा है। और बाहर निकलने के बाद हमें अगला मंदिर दिखाई दे रहा है, देखिए पीले रंग का कितना सुंदर लगता है, पीला और ऑरेंज कलर जब मिक्स होता है तो मंदिर बहुत सुंदर लगता है। तो ये हमारे राम लक्ष्मण और सीता जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली से बहन भगवान कल्याण करो, उनका मंगल करो। और यहाँ पर पंडित जी ने एक छोटी सी पूजा भी करवाई है और फिर उसके बाद उन्होंने इसके बारे में डिटेल से सारा कुछ बताया इस मंदिर के बारे में। राम सेवा के लिए अखंड महासेवा भगवान सौ लाख 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा इसे कोई जगह बताइए जहाँ पर बैठ करके हम लोग तपस्या कर सकें। तो उन्होंने मन के द्वारा चक्र की उत्पत्ति की, कहा जहाँ इसकी नियमित क्षीण हो जाएगी वहीं पर पवित्र भूमि होगी। तो ये आरण्य था जंगल, यहीं आकर उसकी नियमित क्षीण होती है, पृथ्वी का भेदन करती है। 6.5 पाताल जब भेदन हो जाता तो 88,000 ऋषि ने कहा आधा पाताल ले जाए, अगर ये भी टूट जाएगा तो हम लोग बैठ करके तपस्या कहाँ करेंगे, पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा आदिशक्ति ललिता के पास जाइए, शक्ति को शक्ति ही रोक सकती है। आदिशक्ति जी ने अपनी शक्ति के द्वारा शिखा को पकड़ करके 6.5 पाताल पर रोक दिया। तब 88,000 ऋषियों ने यहीं पर बैठ करके तपस्या की। सत्यनारायण की कथा जो आप सुनती घर पे वो नैमिषारण्य से चालू होती, पहला अध्याय है। एक रात नैमिषारण्य ऋषियों से उनका गया पर कुछ मुनियम सूतम पौने कम करा। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध जाता। पुनीत तो सभी तीर्थ है, नैमिषारण्य अति पुनीत है। मनु सतरूपा जिनसे भई न सच्चे रूपा, मनु सतरूपा ने 23,000 वर्ष यहाँ तपस्या किया। भगवान प्रकट हुए, कहने लगे वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा वरदान देना चाहते हो तो आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे समान पुत्र कहाँ होगा, अगले जन्म में आप राजा दशरथ आप रानी कौशल्या होंगी, हम राम का अवतार लेंगे। वरदान यहाँ से मिला है, जन्म अयोध्या में। अच्छा, तो मतलब दशरथ और कौशल्या जो थे वो मनु और शत्रुपा? जी जी जी। अच्छा, मनु शत्रुपा जिनसे भाई नर षष्ठ अनुपा, पहले मनुष्य जो है वो तो यही दोनों थे। और अगला मंदिर है गुप्त मनोरथ को पूरा करने वाला गोकरण बाबा जी का। तो चलिए करते हैं दर्शन शिव जी के। बारे में क्या गोकरण जी का नाम क्यों है शिव जी का? ये गोकरण के द्वारा पूजित महादेव का दर्शन है, यहीं पर गोकरण ने पूजन किया है। अच्छा। अपने भाई धुंधकारी को मोक्ष दिलाने के लिए। अच्छा। शिव जी का पूजन किया, शिव जी ने वरदान दिया जो भी यहाँ जल चढ़ाएगा उसके भी पितरों को मोक्ष हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया है। उन्हीं के नाम से ये शिवलिंग जाना जाता है।
नैमिषारण्य को दोस्तों नाभि गया क्षेत्र भी कहा जाता है। एक दंत कथा के अनुसार महाविष्णु ने गयासुर राक्षस का वध करते हुए उसके देह के 3 टुकड़े किए। उसका शीश बद्रीनाथ में गिरा, जिसे कपाली गया कहा गया। उसके चरण गया में गिरे, जिसे पद गया कहा गया। इसी प्रकार उसका धड़ नैमिषारण्य में गिरा, जिस कारण इसे नाभि गया कहते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं जिस कुंड की तरफ। इसे गोदावरी कुंड कहा जाता है। जो बीच में चक्र कुंड था, उसमें जो पानी है दोस्तों, वो पाताल से आता है। और जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता ना, जो चारों तरफ से ऊपर ना आ पाए, इसलिए उसको अंदर ही अंदर एक पाइप सा स्ट्रक्चर सा बना के उसको यहाँ से कनेक्ट किया गया, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है, जो कुछ भी हमारा कुंड का, चक्र कुंड का, वो यहाँ पर गोदावरी में आ जाता है पीछे की तरफ। और यहाँ पर देखिए, कमल पे विराजमान हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, और सामने ही ब्रह्मा जी भी हैं विराजमान। सिर्फ माता रानी ही नहीं है, ये देखिए ब्रह्मा जी भी हैं। और इधर देखिए साइड में बना हुआ महिलाओं के वस्त्र बदलने का स्थान है, और साथ में पूरा खुला हुआ पूरा एरिया बहुत सुंदर है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक गाय की मूर्ति भी बनाई गई है। तो आप गौ माता के नाम से कोई भी दान करना चाहते हैं, कोई भी सेवा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दान दे सकते हैं। और अब चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है इस गोदावरी कुंड के बाद, हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे एक तरीके से हमारा जो लेफ्ट साइड का एरिया था वो कवर होता, अब हम चलते हैं मंदिर के जो राइट साइड, कुंड के राइट साइड का एरिया, अब उस तरफ के सारे मंदिर आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, अगर चक्र तीर्थ की कहानी के बारे में बात करें, तो शास्त्रों में बताई गई कथा के अनुसार एक समय दैत्यों के भय से दुखी होकर ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि हे सृष्टि रचयिता, धरती पर किसी ऐसी जगह के बारे में बताएं जहां हम बिना किसी डर के धर्म कार्य और तप कर सकें। उनके विनय करने पर ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से सूर्य के समान तेज पूर्ण चक्र प्रकट किया। ऋषियों से कहा, आप इस चक्र का अनुसरण करें, जहाँ इसकी नेमी यानी कि धुरी भूमिगत होगी, उसी स्थान पर आप निवास करें। चक्र की गति बहुत तेज थी, एक सरोवर के पास जाकर उसमें लीन हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा था, इसलिए इसे सरोवर चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर पाताल लोक के अक्षय जल स्रोत से जलाता है। पुराणों में नैमिषारण्य की स्थिति को व्यक्त करने वाले जिस चक्र का वर्णन किया गया है, वह कोई साधारण यंत्र नहीं, बल्कि संसार को धारण करने वाले प्रकट तत्व ब्रह्म की वह गोल परिधि है। और यहाँ पर देखिए माता रानी की मूर्ति कितनी सुंदर, कितनी शोभायमान, बहुत ही सुंदर। जय माता रानी। और अब हम माता रानी के दर्शन करके निकल रहे हैं बाहर, और देखते हैं आगे। देखिए श्री कृष्ण जी, राधा जी, और साथ में नीचे झूला भी झूलते हुए दिखाए गए, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। और दोस्तों, इस चक्र तीर्थ को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है, और इस चक्र को मनोमय चक्र भी कहा जाता है। और अब हम चल रहे हैं, जो हमारा अगला मंदिर है वो है चक्र नारायण स्वामी जी का, जहाँ पर आपको विष्णु जी एक अलग ही स्वरूप में दिखाई देंगे, जहाँ पे उनके 8 हाथ हैं और वो एक चक्र के अंदर है, मतलब बिल्कुल ही अलग। मैंने यहाँ पे विष्णु जी का इस तरह का स्वरूप सिर्फ यहीं पर ही देखा है। तो चलिए कराते हैं आपको दर्शन चक्र नारायण जी के। दर्शन है भगवान महाविष्णु चक्र नारायण स्वामी अष्टभुज स्वरूप में, जिनका स्नान बाबा नदी तीर्थ में किया है, उनका सबसे प्राचीन और मुख्य दर्शन यहाँ का है। चक्र नारायण सुदर्शन विग्रह है, ये सुदर्शन चक्र में विराजमान है भगवान नारायण का। कहीं भी दर्शन किया, चतुर्भुजी किया, ये अष्टभुज स्वरूप में है। आदित्य मंगलम भगवान मंगलम मंगलम। और ये देखिए हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी की कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर मूर्ति है, बिल्कुल सजीव मूर्ति दिखाई दे रही है, आप देखिए। जय गणेशाय नमः, जय माता रानी। और इसके थोड़े से ही पास में बने हैं एक हमारे शिव जी, और शिव जी के दर्शन करके हम जो अगली जगह पहुंच रहे हैं, वहां पे आप देखिए कुछ अलग स्वरूप आपको और दिखाई देने वाला, हमारे विष्णु जी का चक्रधारी स्वरूप, नीले रंग के हमारे विष्णु जी, ये देखिए कितना अच्छा स्वरूप लग रहा है इनका। और यहाँ के शिवजी तो बिल्कुल ही अलग रंग रूप में है, देखिए जरा आप। और यहाँ से बाहर निकल
निकलते ही एक और शिव जी का मंदिर है, तो अब चलिए एक और शिव जी के दर्शन करते हैं, फिर हम अगला मंदिर देखेंगे। और यहाँ पर देखिए आप जरा, शिव जी के चारों तरफ शिव जी के चेहरे बनाए गए हैं, वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से बहुत सुंदर शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अब आपको हम यहाँ के मुख्य मंदिर बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के बारे में बता दें कि ये जो प्राचीन तीर्थ स्थल है, ये हमेशा से ऋषियों, विद्वानों और अन्य भक्तों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। और इस स्थान का उल्लेख ऋग्वेद में भी पाया गया है। ऋग्वेद में उल्लेख होने के साथ साथ महाभारत में भी इसका उल्लेख एक महान तीर्थ के रूप में किया गया है। और ये अति प्रतिष्ठित तीर्थ स्थान है। वाल्मीकि जी की रामायण में और बाद में प्राचीन संस्कृत कवि कालिदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य रघुवंशम में भी नैमिषारण्य का उल्लेख मिलता है। ये अध्यात्मिक केंद्र तो है ही, साथ ही एक ध्यान केंद्र भी है। लोग नैमिषारण्य नदी में, पवित्र नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर जाते हैं। और अब देखिए हम दोस्तों पहुंच गए बद्रीनाथ धाम में, और यहाँ की कहानी जान के आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन और जानते हैं यहाँ का महात्म्य। बद्रीश पंचायत। ओम नमो भगवते वासुदेव। बद्रीनारायण धाम है जी, जगन्नाथपुरी से जो छड़ी आती है, जगन्नाथपुरी से जो छड़ी आती है, हाँ। ये छड़ी जो जगन्नाथपुरी से लोग लाते हैं, बद्रीनारायण नहीं जा पाते हैं, अच्छा, तो यहाँ चढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर डायरेक्ट बद्रीनारायण को भेज दी जाती है। अच्छा, मतलब अगर हम यहाँ पे छड़ी चढ़ाएंगे तो ये यहाँ से बद्रीनाथ को जाना, तो सारी इकट्ठी एक साथ आप भेज देते हैं। बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ, तो ये छड़ी मिलती कहाँ है? ये नहीं विचारण, तो ये जगन्नाथपुरी में मिलती है, जगन्नाथ धाम जब जाया जाता है यात्रा करने। अच्छा, तो वहाँ से खरीद के लाते हैं और यहाँ पे चढ़ाते हैं, वहाँ से प्रसाद मिलता है। तीर्थ यात्रा जब करते हैं तो वहाँ ले करके यहाँ आते हैं, और बद्रीनारायण में जैसे चढ़ती है, बद्रीनारायण नहीं जा पाए तो यहाँ चढ़ा दिया, यहाँ चढ़ा तो आप सारी इकट्ठी करके एक साथ चढ़ा करके हम सब भेज दें। ये तो बहुत अच्छी बात है। जय बद्रीनाथ। ये लो बेटा, तुम भी चढ़ाओ उसका। और दोस्तों यहाँ के लिए कहते हैं कि अमावस्या के दिन यहाँ का पवित्र स्नान करना अत्यंत पावन कहा जाता है। हिंदू पंचांग के फाल्गुन मास में अमावस से पूर्णिमा तक नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा भी आयोजित की जाती है। और अब हम देखिए पहुँच गए राधा कृष्ण जी के मंदिर में। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कन्हैया जी। और अब कन्हैया जी के दर्शन करके निकल के आ गए हम बाहर उस जगह पर जहाँ से हमने इसका पूरा एक परिक्रमा, चक्रकुंड की जो एक परिक्रमा है वो हमने लगानी शुरू की थी। अब हम उसी स्थान पर पहुंच गए हैं। तो परिक्रमा तो हो गई पूरी, लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा सा एरिया रहता है, वो देखिए आप। एक तो ये सबसे पहले में पेड़ दिखाई दे रहा है, एक और पेड़ इसके साथ में, वो भी काफ़ी विशाल वृक्ष है। ये देखिए इसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, पंडित लोग। और ये देखिए हमारा छोटा सा गाय का बच्चा फूल खा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ का जो ये एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे इस यहाँ पे कुछ बैठने की जगह बनाई हुई है, जहाँ पे कुछ लोग अपनी स्पेशल कुछ पूजा पाठ करवाना चाहें तो वो यहाँ पर पूजा पाठ अपना करवा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे देखिए पानी का हैंड पाइप लगा हुआ पानी पीने के लिए। और इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा स्थल। तो जिसको भी सत्यनारायण की कथा करानी वो इस जगह पर करा सकता है, क्योंकि पहली सत्यनारायण की कथा इसी स्थान पर हुई थी। और दोस्तों अब हम निकल रहे हैं मंदिर से बाहर, और बाहर निकलते ही देखिए जो मंदिर के पीछे का हिस्सा है वो यहाँ से है, यहाँ से भी एंट्री करके जा सकते हैं, ये बैक साइड का एरिया है। तो दोस्तों अब इसको हम प्रणाम करके इस चक्र तीर्थ को शत शत नमन करके निकलते हैं बाहर। और अब हम आ रहे हैं वापस, आपको लेके चलेंगे नैमिषारण्य के ही एक दूसरे स्थल पर, जहाँ पे एक और पौराणिक कथा आपको सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। जय श्री राम। जय हो।